आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो मैं अपने लेक्चर फर्स्ट का पार्ट थ्री जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हमने थोड़ी सी बात की थी कि आपके पास जो है व्हाइट नॉइज क्या होता है, कोवेरियंस स्टेशनरी क्या होता है। तो जीन सीरीज में आपने देखा कि वो एक रैंडम पैटर्न ऐसे 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 चल रहा था, वो बेसिकली उसका मीन ओवर टाइम सेम रह रहा था। तो फिर आपने नॉन स्टेशनरी दो सीरीज देखी, जो XT और YT मैंने आपको लास्ट टाइम जो है डिस्कस की एम्पिरिकल एनालिसिस में, जिसका डेटा भी आपको प्रोवाइड किया। तो वेरियंस कांस्टेंट पे फर्दर हम डेलिब्रेट करेंगे, कोवेरियंसिस की बात करेंगे, व्हाइट नॉइस की हमने बात की कि व्हाइट नॉइस प्रोसेस जो है उसका मीन जीरो, स्टैंडर्ड वेरियंस जो है कांस्टेंट, और कोवेरियंस जो है अपनी पास लैग अपनी लैग वैल्यू से जीरो होते हैं। तो स्टेटिस्टिकल रिव्यू, यू ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ वेरियंस, कोवेरियंस, कोरिलेशन, आई डोंट गो इन दैट डिटेल। मूविंग एवरेज मॉडल, दैट इज वाई टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी प्लस बीटा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन। तो इज दिस प्रोसेस स्टेशनरी? यस, मूविंग एवरेज प्रोसेस इज ऑलवेज स्टेशनरी, बिकॉज यू सी इफ वी टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी हियर, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी हियर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन टी इज जीरो, बीटा वन इज पैरामीटर दैट्स कॉन्स्टेंट, इट्स एक्सपेक्टेशन इज जीरो, सो इट्स मीन विल बी जीरो। एंड इफ यू टेक इट्स वेरियंस, सो इफ यू टेक इट्स वेरियंस, तो इट्स वेरियंस विल बी वेरियंस ऑफ वाई टी विल बी इक्वल टू वेरियंस ऑफ एप्सिलॉन टी प्लस बीटा वन एप्सिलॉन टी माइनस वन। सो व्हेन वी ओपन दिस वेरियंस ऑफ एप्सिलॉन टी प्लस बीटा वन वेरियंस ऑफ एप्सिलॉन टी माइनस वन, सो प्लस कोवेरियंस, बट वी नो दैट कोवेरियंस बिटवीन एप्सिलॉन टी एंड एप्सिलॉन टी माइनस वन इज जीरो, सो वील हैव ओनली वेरियंस ऑफ एप्सिलॉन टी प्लस बीटा वन स्क्वायर, बिकॉज इट्स अ पैरामीटर, वेरियंस ऑफ एप्सिलॉन टी माइनस वन। सो दिस इज सिग्मा स्क्वायर, दिस इज सिग्मा स्क्वायर, दिस विल बी सिग्मा स्क्वायर प्लस बीटा वन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, दिस वेरियंस इज जीरो। इफ यू टेक इट्स कोवेरियंस, दैट्स ऑल्सो विल कम आउट टू बी जीरो, टाइम इंडिपेंडेंट। सो वी से दैट मूविंग एवरेज प्रोसेस इज ऑलवेज स्टेशनरी। इफ यू विल सी कोवेरियंस बिटवीन वाई टी एंड वाई टी माइनस वन, इट विल बी इक्वल टू बीटा वन, रेस्ट ऑफ द कोवेरियंसेस, कोवेरियंस ऑफ वाई टी एंड वाई टी माइनस टू विल बी जीरो, कोवेरियंस ऑफ वाई टी माइनस थ्री विल बी इक्वल टू जीरो। सो मूविंग एवरेज प्रोसेस हैज कोरिलेशन ओनली ऑफ ऑर्डर वन एंड इट विल बिकम जीरो आफ्टर दैट, यू कैन कैलकुलेट इट, यू कैन वेरीफाई इट। ओके, इफ वी गो टू यू सी हियर वी हैव डी वन डी टू डी थ्री डी फोर। इफ यू हैव क्वार्टरली डेटा लाइक वी डिस्कस्ड क्वार्टरली जीडीपी और क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट और क्वार्टरली मनी सप्लाई, सो यू नीड टू इंट्रोड्यूस सीजनल डमीज। इफ यू हैव इंटरसेप्ट हियर यू डोंट यू इंट्रोड्यूस थ्री डमीज इंस्टेड ऑफ फोर। तो यहां पर हमारे पास इंटरसेप्ट नहीं है, सो वी इंट्रोड्यूस फोर डमीज इन हियर। इन दिस केस वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड टाइम ट्रेंड एज वेल। टी इज दिस ट्रेंड इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड बिकॉज इट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एंड इफ आई से वॉट विल बी द वैल्यू आफ्टर टेन, यू नो इट्स इलेवन। सो दिस इज डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड, यू नो द वैल्यूज ऑफ दीज ट्रेंड्स इन एडवांस। तो स्टोकेस्टिक मीन्स एनी प्रोसेस विच इज रैंडम ओवर टाइम। Now we go for autoregressive process. So in previous one we have yt equal to epsilon t plus beta 1 epsilon t minus 1. Here we have a1 yt minus 1 plus epsilon t. It means yt is regressed on its own past value. So we have here lag 1, we call it ar1. Here we have yt regressed on yt minus 1, yt minus 2. This is called general autoregressive process. This one B, here you have trend B is coefficient, T is your time trend, YT minus 1 is lag A1. So here again we say this is AR1 as well as time trend model.
Similarly, if we go to the next one, when we do this univariate analysis, we always have four stages. First is identification. That identification comes from your plotting of data. Plotting of data is very important. I'll deliberate more on it. Checking missing values, plotting will help you in finding out, are there missing values, are there any outliers, are there is there nonlinear trend, is there some other problems in data. So we must have no trend if process is to be stationary. So how do we make that differencing? And sometimes we take log transformation. तो फिर उसके बाद हम एक टेंटेटिव मॉडल आइडेंटिफाई कर लेते हैं. उस वो अभी बात होगी कि किस तरह से हम ये चेक करते हैं कि AR1 है, AR2 है, MA1 है, MA2 है, ARMA11 है, ARIMA111 है. तो ये सारी डिस्कशन होगी. Look at this series. This is a non-stationary series. Why this is non-stationary series? As I mentioned in my previous video, here mean is around zero. Here mean is changing. Here again mean is different. So mean is changing over time. So you see these black spikes are called autocorrelations, and blue spikes are called partial autocorrelation. This first one is at lag 0, and we know at lag 0 correlation of yt with yt is always 1. Here you see at lag 1, lag 2, lag 3, lag 4, and so many lags, these black spikes are not these two lines, within these two lines. These two lines are called plus minus 2 standard errors. So it means these spikes are significant, which means that yt depends on its lagged values. Even if 20 years have passed, even if you have 20 months have passed, so it has long dependence over time. So if these black spikes don't decay, autocorrelation function does not decay, it means कि आपकी सीरीज की पास्ट जो है वो बहुत सारे लैग्स पे डिपेंडेंस है, विच मींस इट्स अ लॉन्ग मेमोरी प्रोसेस. लॉन्ग मेमोरी प्रोसेस जो है वो जो है नॉन स्टेशनरी होता है. तो हम देखेंगे कि जी जैसे कल मैंने आपको ई एक्स और ई वाई वाली सीरीज दी थी, अगर उसका आप प्लॉट बनाएंगे तो वो आपको जैसे ये ब्लू नीचे वाली नजर आ रही है इस तरह से नजर आएगा, विच मीन्स सीरीज हैज नो मेमोरी, ऑल कोरिलेशन आर विद इट्स पास्ट वैल्यूज आर जीरो. तो वी विल डिस्कस इट. तो यू सी ये चारों सीरीज जो आपको चारों पैनल्स नजर आ रहे हैं, ये आपके पास नॉन स्टेशनरी है, क्योंकि हर एक में मीन वेरियंस जो है वो चेंज हो रहा है, मीन चेंज हो रहा है. यहां पे देखिए, दिस इज कॉल्ड, वो भी नॉन स्टेशनरी सीरीज थी, दीज आर कॉल्ड नॉन स्टेशनरी, बट यहां पे आपको ट्रेंड का नहीं पता. सीरीज यहां से ऊपर चली जाए, नीचे चली जाए, इधर चली जाए, इस तरफ चली जाए, इधर चली जाए, नेक्स्ट ऐसे चली जाए, तो ऐसी सीरीज स्टोकेस्टिकली नॉन स्टेशनरी है. हियर यू हैव ट्रेंड स्टेशनरी सीरीज, कि ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन तो वो व्हाइट नॉइज, वो जो रेंडम ई टी एड करते हैं उसकी वजह से है, बट मेन जो है वो टाइम ट्रेंड है जो कि यहां मैटर कर रहा है. तो ये आपको जो है वो दिस इज कॉल्ड ट्रेंड स्टेशनरी सीरीज. तो जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि डी ट्रेंडिंग और डिफरेंसिंग, इस केस में हम डी ट्रेंडिंग करेंगे और इस केस में हम जो है डिफरेंसिंग करेंगे. कि इस सीरीज को स्टेशनरी बनाने के लिए ज्यादातर केसेस में इस तरह की सीरीज के लिए हम फर्स्ट डिफरेंस लेंगे, और इस तरह की सीरीज में हम जो है वो वाई टी को बीटा टी पे रिग्रेस करेंगे और फिर रेजिजुअल्स ले लेंगे. अब देखिए, तो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, तो एक कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है. पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन ये होता है कि अगर आप दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन देखें और तीसरा वेरिएबल जो है उसका इंपैक्ट उससे एलिमिनेट कर दिया जाए. इस पे मैं एक ग्रोथ पे अलग से जो है वो आर के थ्रू एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसके थ्रू देखेंगे तो आपको पार्शियल की कॉन्सेप्ट समझ आएगी. जो हम रूटीन में भी इकोनोमेट्रिक मॉडल में कहते हैं कि दिस इज इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन मनी डिमांड होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ इनकम कॉन्स्टेंट. इसका मतलब क्या होता है? Unfortunately, we don't understand what's its exact meaning. What does it mean? We'll discuss that. So partial autocorrelation means ke yt minus 1 ke saath correlated hai.
इस केस में तो अगर yt और yt माइनस टू की कोरिलेशन यहां पे आप अगर देखेंगे तो वो नहीं होनी चाहिए। इस केस में वो अपनी दो लेग्स के साथ डिपेंडेंट है, तो यहां पे जब yt और yt माइनस वन की कोरिलेशन देखें तो इट मींस उसमें yt माइनस टू का कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। यही बात अभी एक सेकंड पहले मैं कह रहा था कि आई शैल एक्सप्लेन कि yt और yt माइनस वन का कोरिलेशन होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ yt माइनस टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है। तो ये मैं आपको एम्पिरिकली उस ग्रोथ वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप जब भी वो जो है इंटरप्रेटिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इन मल्टीपल रिग्रेशन तो वो आपने जो है वो वीडियो देख लेनी है। तो यहां पे ए वन जो है ये पार्शियल कोरिलेशन, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ए वन जो है ये कोरिलेशन है बिटवीन वाईटी एंड वाईटी माइनस वन होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ वाईटी माइनस टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता तो वी मिस द पॉइंट। तो ये ए वन एट ये पार्शियल कोरिलेशन है। तो अब ये देखिए सीरीज, दिस सीरीज इज स्टेशनरी, दिस वन सीम्स स्टेशनरी, दिस वन सीम्स स्टेशनरी, दिस वन सीम्स, तो ये बेसिकली व्हाइट नॉइज सीरीज है। व्हाइट नॉइज जो है वो ऑलवेज स्टेशनरी है। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एम ए वन, तो आप अगर बैकवर्ड सब्सटीट्यूट करते जाएं, बैकवर्ड सब्सटीट्यूट करते जाएं, तो यहां पे देखिए तो वाई टी जो है इसकी पार्शियल कोरिलेशन होगी वाई टी माइनस वन के साथ भी, वाई टी माइनस टू के साथ भी, वाई टी माइनस थ्री के साथ भी, सो ऑन। तो ये बेसिकली एक एम ए प्रोसेस जो है ये ए आर इन्फिनिटी बन गया है। तो ये बेसिकली हम जो है वो एम ए मॉडल को मूविंग एवरेज मॉडल को ए आर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए आर मॉडल को मूविंग एवरेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डुअलिटी, डी यू ए एल आई टी वाई, दिस इज कॉल्ड डुअलिटी। तो ये आपको डुअलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। यहां आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है मैं मेंशन करने जा रहा हूं, एक है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और एक है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। अगर प्रोसेस होगा ए आर वन तो उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या करेगा, ज्योमेट्रिक डिके करेगा, और उसका पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होगा, वो एट लेग पी कट ऑफ कर जाएगा। इस बात को मैं एम्पिरिकली एक्सप्लेन करूंगा। मूविंग एवरेज देखिए, ये देखिए दोनों एक दूसरे का रिवर्स हैं। अगर प्रोसेस एम ए वन होगा तो उसका पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ज्योमेट्रिक डिके करेगा। ज्योमेट्रिक डिके से मुराद क्या थी कि अभी आपने वो ब्लैक्स वाली स्पाइक्स देखी थी ऐसे लंबी लंबी ऊंची ऊंची, तो वो डिके नहीं कर रही थी, 20 लेग भी गुजर गए थे। बट ज्योमेट्रिक डिके का मतलब यह है कि अगर ये मेरे पास पहली पार्शियल ऑटो कोरिलेशन हाई है, दूसरी लो, तीसरी फोरी तौर पर, तो इमीडिएटली ये अपनी जो है ना ये प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड एरर्स रेंज के दरमियान आते हैं। तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिक डिके है। एट लेग पी का क्या मतलब है कि अगर आपके पास जो है वो फर्ज करें ए आर वन प्रोसेस है, ए आर पी लेट से ए आर पी जो है वो ए आर वन है, तो इसका मतलब है फर्स्ट लेग पे ये स्पाइक होगी, उसके बाद ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगी। तो इसका मतलब होता है कि ये कट ऑफ एट लेग पी हो गया। अगर दो लेग्स पे कट होता तो ये हो जाता, तीन लेग्स पे तो ये वाली चीज हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड लेग पी, चाहे वो इस फॉर्म में है चाहे इस फॉर्म में। इसको जरूर ब्राउज कीजिएगा, गूगल में ब्राउज कर लीजिएगा इस स्लाइड को। तो ये कि जी आपके पास जो है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर ए आर एम ए मॉडल्स क्या होती हैं, तो आपको बहुत सारी जो है वो इस पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्लीज लिसन दैट, रीड दैट, यू विल गेट इट। सिग्निफिकेंस लेवल, तो एक था कि अभी आप मैंने ये बनाई है, तो ये तो एक इंडिविजुअल कोरिलेशन सिग्निफिकेंट बाई चांस भी हो सकती है 20 में से 95%, तो 5% बाई चांस हो सकती है, तो 20 का 5% वन ऑब्जर्वेशन बनती है। तो ओवरऑल कोरिलेशन टेस्ट करने के लिए एक स्टेटिस्टिक्स डिजाइन की गई, दैट इज कॉल्ड बॉक्स जेंकिन, बॉक्स नॉट बॉक्स जेंकिन, दैट इज कॉल्ड जुंग बॉक्स, जुंग बॉक्स स्टेटिस्टिक्स। तो वो ओवरऑल कोरिलेशन को टेस्ट करती है कि क्या ओवरऑल आपकी कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है। लुक एट दिस, जो भी मैं बात कर रहा था अगेन आगे कि यहां पे देखिए स्पाइक्स ज्योमेट्रिकली डिके नहीं कर रही, ये स्पाइक्स बहुत देर तक
जो है वो प्रोलॉन्ग करती हैं, जिसका मतलब है सीरीज की पास पे बहुत सीरियस डिपेंडेंस है, तो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो नॉन स्टेशनरी है, क्योंकि ये आपकी जो है वो इसका एसीएफ जो है ये डिके नहीं करता। तो एसीएफ का ज्योमेट्रिकली डिके होना और पीएसीएफ अगर एक ब्लू स्पाइक के बाद जीरो होता तो एसीएफ अगर ज्योमेट्रिक डिके होता तो हम कहते हैं ये एआर वन मॉडल है, और अगर रिवर्स होगा तो हम कहेंगे ये जो है वो एमए वन मॉडल है। लेट्स गो टू दिस। तो व्हाई वी नीड टू प्लॉट डेटा, तो एक तो आपने जो ये प्लॉट किया तो यू गॉट एन आइडिया कि ये एक नॉन लीनियर ट्रेंड है, और ये यूके का जीडीपी, यूएस जीडीपी है, ये एक नॉन लीनियर ट्रेंड है, तो नॉन लीनियरिटी नजर आ गई, कोई इन जनरल मिसिंग ऑब्जर्वेशंस नहीं है, और जो है वो ये आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड से जो डेविएशन है सीम्स परमानेंट, और स्केल भी साथ मेंशन किया हुआ है। तो कब हमने डिफरेंस लेना है, कब हमने सीरीज की लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, कब हमने उस पर बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, तो ये वो चीजें हैं जिसको हम जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे अप्लाई करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर स्टोकेस्टिक नॉन स्टेशनरी सीरीज होगी तो डिफरेंस लेते हैं। लॉग लेने से क्या होता है, मेनी अ टाइम्स एक नॉन लीनियर मॉडल जो है लीनियर हो जाता है, होमो हेट्रोस्कडास्टिसिटी की बजाय होमोस्कडास्टिसिटी हो जाती है, और अभी हमने ट्रेंड कंपोनेंट्स नहीं पढ़े, मल्टीप्लीकेटिव कंपोनेंट्स जो है एडिटिव कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ट्रांसफॉर्म सीरीज बॉक्स कॉक्स की बात होगी, तो अब ये देखिए पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसका लॉग ले लूं तो ये मेरे पास फंक्शन जो है वो लीनियर फॉर्म में आ गया। तो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। हाउ मेनी कोएफिशिएंट्स, तो आपको पता है कि आर स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, बट आर स्क्वायर इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया फॉर मॉडल फिटिंग, तो वहां पे हमारे पास जो है वो कुछ और क्राइटेरियाज हैं लाइक एआईसी बीआईसी, उससे पहले वो शायद नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। तो इन सैंपल वर्सेस आउट ऑफ सैंपल, इन सैंपल वो होता है कि फर्ज करें मेरे पास 1960 से लेके 2015 तक का डेटा है, और इसको मैं यूज करता हूं 2015 से 16 से लेके 2022 तक फोरकास्ट करने के लिए, तो ये पहले वाला जो डेटा होगा ये वाला ये इन सैंपल है, और ये वाला मेरा डेटा जो है ये आउट ऑफ सैंपल होगा। ऑल दो आउट ऑफ सैंपल होना ये चाहिए कि आज हम 2020 में बैठे हैं तो हम 2020 में फोरकास्ट करें 2021 से 2025 तक के लिए, और फिर उसके बाद हम जब ये डेटा आ जाएगा फिर हमें पता चलेगा कि हमारा मॉडल सही था या नहीं था। तो ये आउट ऑफ सैंपल है, और ये अप टू दिस 1962 दिस वन इज कॉल्ड विद इन सैंपल। पेनल्टी टर्म, अभी इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए तो ये दो क्राइटेरिया हैं जो आपको जो है वो सिस्टम जब भी आप एस्टिमेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होके आएंगे, तो जिसकी वैल्यू मॉडल में कम होगी हम कहेंगे कि उसका जो है वो उस वो मॉडल हमारा प्रेफरेबल है। ऑल्दो इस पे बहुत सारी डिबेट है, लेकिन एट द मोमेंट मैं आपसे जब फेस टू फेस मीटिंग होगी उसमें ये डिबेट्स करेंगे। एट द मोमेंट जस्ट मेरी इस बात को बस इतना लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना कि एआईसी और बीआईसी जिस मॉडल के लिए कम होंगी उस मॉडल को हम प्रेफर करेंगे। ये देखिए इसको जो ही हमने प्लॉट किया तो आपको एक सिंपली आउटलायर नजर आ गई। तो अभी आपके पास कोरोना वायरस आया, इस कोरोना वायरस की वजह से इकॉनमी जो है पूरी पूरी वर्ल्ड इकॉनमी पूरी की पूरी एयर इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी ऑयल इंडस्ट्री, तो क्या जब वो आप उस टाइम पीरियड को लेंगे तो इट मे बी अ जेन्युइन आउटलायर। मेनी अ टाइम्स लोग जो है ना आउटलायर को जो है वो थ्रो आउट कर देते हैं, अगर तो वो कोई टाइपो एरर हो तो वी कैन ड्रॉप इट, अदरवाइज उसको ट्रीट करना होता है, उसके बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू। तो ये आपको, लेकिन एट द मोमेंट हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि प्लॉटिंग से क्या होता है कि आपको ये आइडिया हो जाता है कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, लीनियर है नॉन लीनियर है, आपके पास जो है कोई आउटलायर तो नहीं है, ठीक है। तो क्या हमें आउटलाइट ड्रॉप कर देनी चाहिए या इससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने एक ग्रोथ वाले डेटा वीडियो अपलोड की जिसमें माल्टा को हम ड्रॉप कर देते हैं एंड देन वी री एस्टिमेट आवर मॉडल, क्योंकि वहां पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आउटलायर्स को अदरवाइज आपने प्रॉपर कंसिडरेशन देनी है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि स्टॉक मार्केट में जिस दिन क्रैश हो उस दिन को हम छोड़ दें और बाकी एनालिसिस करते रहें। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं ये 20 मिनट की वीडियो के बाद इससे अगले वाली वीडियो में नेक्स्ट टाइम अपलोड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और इसको जो है वो आपने थोड़ा सा ब्राउज कर लेना है, वॉल्टर एंडर्स जो है वो इस वक्त
okay, Walter. Anders की बुक अप्लाइड टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स के चैप्टर टू की थोड़ी सी आपने ब्राउजिंग करनी है, रीडिंग करनी है और उसकी एक्सरसाइजेस को मैं भी करूंगा, आपने भी करने की कोशिश करनी है. टेक केयर.